नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को पंचकुला में हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो व इंडियन पुलिस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट के सहयोग से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन सत्र को संबोधित किया। पुलिस में महिलाओं की संख्या पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सराहनीय है कि राज्य पुलिस बल में महिलाओं की संख्या पिछले 5 वर्षों में 6% से बढ़कर 10% हो गई है और इसे 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। देखिए, वैसे तो ये 2 दिन की एक वर्कशॉप है और उस वर्कशॉप में हमने जो कुछ हरियाणा सरकार में किया है, राइट फ्रॉम ओपनिंग महिला पुलिस स्टेशंस और महिलाओं की संख्या कॉन्स्टेबल यानी पुलिस में बढ़ाने की बात, और इसी प्रकार से जो उनको यातायात की व्यवस्था में सुरक्षित एक वातावरण देना, महिलाओं की शिकायत ठीक से हो जाए तो महिलाओं का जो स्पेशल नंबर है 10091 हेल्पलाइन नंबर, और इसी प्रकार अन्य जितने भी दुर्गा ऐप और दुर्गा ऑपरेशन जितने भी हमने प्रावधान किए हैं और जो अभी तक स्टेप उठाए हैं, जेंडर रेशो को भी हमने बढ़ाया है, वो सारी बातें हमने बताई हैं। तो भी और कोई रिकमेंडेशंस जो इस वर्कशॉप में निकल करके आएंगी हरियाणा के संबंध में, वो सब लागू भी की जाएंगी और हम अश्योर करते हैं कि महिलाओं के और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होता है उसको रोकने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। आज की ये जो सेमिनार या जिसको कहना चाहिए वर्कशॉप, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिसको कहना चाहिए एक संवेदनशील विषय है। मुझे तो आभास हुआ जब 63 महीने पहले पहली बार सत्ता को चलाने का एक मौका हरियाणा की जनता ने दिया, उस समय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला कार्यक्रम हरियाणा में जो किया, उनका बहुत जिसको कहना चाहिए हमारे सत्ता संभालने के तुरंत बाद एक फोन आया कि हरियाणा में बड़ी समस्या है गिरता हुआ महिलाओं का जो जेंडर रेशो, इसको संभालने के लिए, वैसे तो देश भर की यह समस्या है लेकिन हरियाणा से इसको हमको संभालना शुरू करना चाहिए। मैंने पूछा कि इसके लिए हमको क्या करना है, कहने सबसे बड़ा जागरूकता का एक बड़ा कार्यक्रम और मैं हरियाणा से इसमें एक बड़े सम्मेलन के माध्यम से करना चाहता हूँ। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में लगभग 1 लाख जिसमें अधिकांश महिलाएं थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो शुरू किया गया, देश भर इस अभियान को शुरू किया। हरियाणा में 2011 में जेंडर रेशो 830 थी, हमने उस पर काम करना शुरू किया। बहुत से प्रयत्न करने के बाद जिसमें सरकारी विभाग, जिसमें शिक्षा विभाग, होम डिपार्टमेंट, बाल कल्याण विभाग, महिला बाल कल्याण और एनजीओस, बहुत से संगठन, सब लोगों ने प्रयत्न किया और आज मुझे बताते हुए ये हर्ष है कि हमारी वो जो जेंडर रेशो 2011 में जो 830 थी, आज 2019 में हम 922 को टच कर गए हैं। लगातार इस पर काम हुए हैं, जन जागरण भी हुआ, कोर्स मेथड्स भी लेने पड़े, सख्ती भी की, FIRs की, कुछ लोगों को जो गलत तरीके अपनाते थे, भ्रूण हत्या जैसा एक घिनौना काम भी करते थे, ऐसे लोगों पर छापे लगाकर अल्ट्रासाउंड की जो यानी एक आड़ लेकर और इस काम को जो अंजाम देते थे, न केवल हरियाणा में बल्कि पास पड़ोस के जो ज़िले हैं अन्य राज्यों के, वहाँ भी हमने दबिश की और बहुत से FIRs केसेस ये सब किए। एक ऐसे गलत कामों के मन में एक डर का वातावरण भी बैठा है और समाज में भी, जो समाज बेटी को, लड़की को एक बोझ मानता था, आज उनके मन में भी उसी प्रकार का एक भाव जागृत होता है जैसे लड़के के पैदा होने पर होता है। घर के छत के ऊपर चढ़कर के थाली भी बजाई जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, छठ यानी कुआं पूजन का भी कार्यक्रम
वो उसमें होता है, जैसे लड़कों के जन्म पर होता है। तो एक अच्छा एक वातावरण हरियाणा में बना है। सबसे पहले ध्यान में आता है कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, उन अपराध को बताने के लिए भी महिलाओं में हिम्मत होती नहीं थी और कई बार संकोच भी कर जाती थी, पीड़ा भी होती थी। कहीं कहीं तो ऐसे भी विषय ध्यान में आते थे कि महिलाएं बिना बताए संकोच या भय या सब कुछ वातावरण जो होता था उसमें से सुसाइड जैसे केस हो जाते थे। तो महिलाएं अपनी बात खुल करके कहें, इसके लिए हमने महिलाओं के थाने का जो प्रयोग शुरू किया, पहला थाना रक्षाबंधन 2016 को हमने खोला, इसी पंचकुला से शुरू किया था। आज 34 महिलाओं के थाने खुल चुके हैं और हरियाणा मेरा ख्याल ये पहला प्रदेश होना चाहिए इतनी संख्या में जो महिलाओं के अलग से थाने हैं। वहाँ रिपोर्ट लिखने वाली भी महिला, वहाँ इन्वेस्टिगेट करने वाली भी महिला, पुलिस इंस्पेक्टर अधिकारी सब महिलाएं हैं। तो इस नाते से एक महिलाओं में एक झिझक खुल गई और हमने एक आह्वान किया था, अब ना सही है खुल के कहिए, अब सहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए महिलाओं में एक विश्वास जागृत हुआ और उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुआ तो उसको जाकर रिपोर्ट करना शुरू किया। पुलिस अधिकारियों को भी एक निर्देश भी दिया हमने, क्योंकि एक शिकायत मिलती थी कि हमारा जो अपराध तो हो गया लेकिन हमारी कंप्लेंट किसी ने रिपोर्ट नहीं की, किसी ने लिखी नहीं है। थानों में एक शिकायत मिलती थी कि वहाँ FIR लिखने के लिए आनाकानी की जाती है। मुझे याद है वो वाक्य, DGP को मैंने कहा, नॉट टू रजिस्टर अ क्राइम वुड अमाउंट टू अनदर क्राइम। इसलिए पुलिस अधिकारी को भी या पुलिस का जो FIR लिखने वाला वहाँ जो SHO बैठा है उसको भी बताना पड़ेगा कि आप कोई भी क्राइम रिपोर्ट होता तो उसको करिए, मत डरिए कि इससे संख्या बढ़ जाएगी, वो दुष्परिणाम होगा तो पॉलिटिकल नुकसान होना होगा, हमको हो जाएगा। हमने देश भर में आह्वान किया कि हम हर क्राइम को रिपोर्ट जरूर करेंगे। एक इसके कारण से अचानक मानो क्राइम की संख्या दिखेगी, क्राइम तो जो पहले हो रहा है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्टिंग ना होने के कारण से प्रदेशों में घोड़ लगी है कि हमारा क्राइम कम हो गया, हमारा क्राइम कम हो गया। वास्तव में क्राइम रिपोर्ट न करने से कम नहीं होता, उसके लिए तो और मेथड है जो क्राइम कम करने के लिए हमको करना पड़ेगा, हम कर भी रहे हैं, लेकिन नॉट टू रिपोर्ट द क्राइम, अगेन इट अमाउंट्स टू क्राइम। जिसके कारण से हमें थोड़ा सा एक नेशनल लेवल पर ये कहा जाने लगा कि हरियाणा में क्राइम बहुत बढ़ गया है, क्यों रिपोर्टिंग पूरी होने लग गई। आज मैं तो ये कहूँगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उनको एक अध्ययन और भी कराना चाहिए कि कितने लोग सेटिस्फाइड हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम से। अगर लोग सेटिस्फाइड ही नहीं है रजिस्ट्रेशन से तो फिर उसमें आंकड़ा तो कम ज़्यादा होगा ही, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की। अभी आज ही एक पेपर ने छापा कि हरियाणा जो है वो थर्ड नंबर पर है, नंबर पर है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। वो क्यों है? वो इसलिए कि हमारी रिपोर्टिंग पूरी होती है। बहुत राज्य ऐसे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ आज भी डिस्करेज किया जाता है थानों में कि रिपोर्ट मत करिए, रिपोर्ट आएगी तभी उसका कोई ना कोई हल ढूंढा जाएगा। तो हल ढूंढने के लिए हमने सब काम किए, महिला थाने किए, महिलाओं की संख्या पुलिस में, पुलिस बल हमारे मात्र 6% था। कल ही पासिंग आउट परेड के अंदर 1000 महिला कॉन्स्टेबल को और हमने पास आउट में आगे बढ़ाया है, तो आज 10% के लगभग हम उसको टच करने जा रहे हैं महिलाओं की संख्या। 5 साल में यानी एकदम डबल नहीं तो कम से कम 80% इंक्रीज हमारा महिलाओं की संख्या में हुआ है। एंड वी हैव अ टारगेट टू रेज इट टू 15% इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे ताकि महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो एक विश्वास जागृत होगा, उन महिलाओं को ही हम ऐसे क्राइम को रोकने के लिए आह्वान करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक समय ऐसा था कि महिला कर्मी जो पुलिस की थी, हमको शिकायतें मिलती थी कि पुलिस स्टेशन में, पुलिस लाइन्स में वो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी क्योंकि संख्या कम थी। संख्या बढ़ेगी तो कम से कम एक वातावरण सब तरफ ठीक होगा। यानी बड़ी हताशा की बात है कि पुलिस महिला कर्मी खुद सुरक्षित नहीं है, ये बड़ी हताशा की बात थी। लेकिन 5 साल के अंदर इतना अंतर आया है कि अभी कुछ दिन पहले हमारी IG सामने बैठी है भारती अरोड़ा, इनको किन्हीं कारणों से संयोग से 5 साल के बाद दोबारा फील्ड में काम करने का अवसर मिला, तो ये बता रही थी कि 5 साल में इतना बड़ा अंतर पुलिस के सिस्टम में आया है। शी टोल्ड मी दैट शी कुड इमेजिन। हमने उसको परिवर्तन करने में हर प्रकार की सुविधाएं पुलिस को बाकी और महिलाओं की सुरक्षा के नाते विशेष जो पग उठाए हैं
पुलिस की सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन जन जागरण भी होना चाहिए। उसमें शिक्षा ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, महिला यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पढ़ाने के लिए कॉलेजेस हरियाणा में हमने तय किया कि चाहे स्कूल की शिक्षा हो चाहे हायर एजुकेशन हो, कॉलेजेस की संख्या बहुत कम थी, हमने महिला कॉलेज हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक महिला कॉलेज ज़रूर हो। 31 कॉलेजेस जो पहले पिछले 48 साल में हरियाणा में 31 थे, इन 5 सालों में नेक्स्ट 31 महिला कॉलेजेस और खोले गए हैं, डबल संख्या हमने की है, ताकि लड़कियों को बच्चियों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। पढ़ने से एक जन जागरण होता है, तो जागृति बच्चों में महिलाओं में उस नाते से आए तो हमने महिलाओं के सशक्तिकरण का, महिला एम्पावरमेंट का हर प्रकार के काम, उनको कैसे हम यानी स्किलिंग के माध्यम से उनको ट्रेंड करें ताकि अपना रोजगार, इसके लिए भी उनको अवसर मिले। यूएनओ के साथ हमने यूएनओ के साथ एक एमओयू किया है कि महिला की ट्रेनिंग अलग से, बच्चे नौजवान तो सब अपने ट्रेनिंग के लिए आगे आते हैं लेकिन महिलाओं की ट्रेनिंग स्किलिंग ये अच्छी होता कि उनको रोज़गार मिले, अपने परिवार को वो आगे ठीक से बढ़ा सके। स्कूल जाते समय कॉलेज जाते समय ट्रैवलिंग में महिलाओं की सुरक्षा, इसके लिए मैंने प्रयत्न किए और एक सर्वे कराया। उस सर्वे में लगभग 500 रूट ऐसे हमको मिले हैं जहाँ अलग से महिलाओं की ये संख्या पर्याप्त है, जिसके अंदर रूट आज इसमें से 150 रूट हमने पिछले एक महीना पहले चालू कर दिए हैं कि महिलाओं को ट्रैवलिंग का, और हर बस के अंदर एक महिला सुरक्षाकर्मी ये अवश्य होगी, तो इसलिए इसके ऊपर भी हमने इस काम को किया है। रेप्स के ऊपर जब शिकायत मिली कि बच्चियों के साथ रेप होता है तो घिनौना कार्य है, इसको कैसे रोकना, सबसे पहले हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने 12 साल तक की बच्चियों के यानी बच्चियों के साथ रेप अगर होता है उसे दोता है तो उसको फांसी की सजा कैपिटल पुनिशमेंट दी जाए। हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने हमने पास किया, बाद में तो सेंटर ने भी उसको पास कर दिया, सारे देश में भी लागू हो गया है। बहुत ऐसे प्रावधान किए गए हैं, उनकी संख्या बड़ी है, अगर सूची पढ़ेंगे तो उसके अंदर महिलाओं के थाने की बात मैंने बताई, हेल्पलाइन है, दुर्गा शक्ति है, फिर इसमें सार्वजनिक स्थानों के ऊपर ऑपरेशन दुर्गा का हमने जो कार्यक्रम चलाया, महिला पुलिस दिवस के ऊपर महिलाओं को एक विशेष पुरस्कार महिला सर्वोत्तम सेवा मेडल, इसको चलाने की मैंने बात कही। इसी प्रकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, इनकी भी हमने संख्या बढ़ाई है, 2 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरास इन 5 सालों में लगाए गए हैं और 1 लाख अभी हमने पुलिस विभाग को आह्वान किया कि वो जनता के सहयोग से और पुलिस के विभाग के माध्यम से भी 1 लाख सीसीटीवी कैमरा और इसमें लगाया जाए और जल्दी उसको यानी किसी भी इन्वेस्टिगेशन में टाइम ज़्यादा न लगे और उसका जो निर्णय है वो जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ये जैसे कहा जाता है, तो उस नाते से 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन से महिला के खिलाफ जो अपराध है या रेप का केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन, प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए और स्पेशल कोर्ट्स जो एक प्रकार से जो रेप्स के अगेंस्ट जितने भी ऐसे विषय हैं तो ऐसे विषयों पर 6 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमने बनाए ताकि जल्दी से उसका निर्णय लोगों को होना चाहिए, मिलना चाहिए।